हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेटिंग ऑल। और आपने बाहर पोस्टर तो देखा ही होगा कि कट ऑफ कम होगी 2019 में। अब नेक्स्ट राउंड्स की क्यों होगी वो मैं आपको बताता हूँ। लास्ट ईयर से कम होगी। अब उसकी एक बहुत बड़ा कॉज है। देखो, ये एक प्राइवेट आर्टिकल है, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं इसे दिखाऊँ, लेकिन फिर बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट सेक्शन में पूछते हैं तुम कौन होते हो बताने वाले, तुम्हें कैसे पता, तुम कैसे, प्रूफ दो हमें। तो वो प्रूफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोगों को जो राउंड फोर का जो रिजल्ट आया, उसे मैंने 2019 वर्सेस 2018 का एक आर्टिकल मुझे मिला, तो वो मैंने ओपन किया। ये मैंने खुद ऑब्जर्व कर लिया था, मैं सोचा था वीडियो बनाऊं, लेकिन अब दोनों ईयर्स का कंपैरिजन करके मुझे थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन ये प्राइवेट आर्टिकल मिल गया तो इसने मेरा काम काफ़ी ईजी कर दिया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहले जो NIT जालंधर है उसकी 2019 2018 की कट ऑफ देख सकते हैं कितना डिफरेंस है, और ये राउंड फोर की है। तो राउंड सिक्स और सेवन तक जाते जाते काफ़ी मेजर डिफरेंस आ जाएगा और कट ऑफ काफ़ी डिक्रीज़ हो रही है, मतलब काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी। तो आप NIT फिर जयपुर देख सकते हैं, NIT जयपुर जो है इसमें भी आपका इस साल कम है, और इसे भी देख सकते हैं आप अपना NIT भोपाल जो है, NIT भोपाल और NIT इलाहाबाद, NIT इलाहाबाद ये भी, और बस आपका NIT अगरतला जो है इसमें इस बार जो कट ऑफ है वो थोड़ी हाई चली गई है लास्ट ईयर के कंपेरिजन। बाकी किसी भी कॉलेज में आप देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश में देख लीजिए, NIT दिल्ली में भी इस साल कम गई है, और आपका दुर्गापुर, गोवा की लास्ट ईयर थोड़ी कम गई थी, इस साल हाई कट ऑफ गई है, यानी कि कम रैंक पे गई है। और बाकी NIT हमीरपुर, तो अभी तक दो NIT ऐसे आए हैं जिनकी थोड़ी इस बार कट ऑफ हाई गई है, यानी कि कम रैंक पे कट ऑफ क्लोजिंग रैंक गई है। बाकी आप देख सकते हैं कितना कितना ज़्यादा डिफरेंस है। NIT सूरत कल देख सकते हैं आप, और सब में मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बाकी इसमें NIT नागालैंड में कट ऑफ थोड़ी हाई चली गई इस बार, ऐसा थोड़ा बहुत ऊपर होता रहता है, लेकिन आप मेजर कॉलेजेस में देखोगे तो इस बार की कट ऑफ आपको कम ही मिलेगी, और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और ये हमें ये बात बताता है कि जो आने वाली जो राउंड्स हैं उनमें कट ऑफ कम होने वाली है, ऐसी बहुत ज़्यादा टेंशन, ये आपकी ब्रांच वाइज है, ये ECE के लिए है, और ये जो हमने देखी थी ये थी, ये भी आपकी ECE के लिए थी। तो ये बाकी कॉलेजेस होंगे, हाँ, तो राउंड थर्ड की है ये, राउंड थर्ड की कट ऑफ कंपैरिजन है ECE के लिए, दोनों ECE ब्रांचेस के लिए हैं, आप इसे देख सकते हो। तो यानी कि कहने का मतलब यही है, ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आप लोगों को ताकि आपको मेरी बात पे विश्वास हो, आप बिलीव कर सको कि जो इस बार की कट ऑफ जो है, जो नेक्स्ट राउंड की लास्ट राउंड आने वाले हैं, मेरी बात मानिए कम ही होगी, बहुत ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बाकी चॉइस फिलिंग की वीडियोस मैं आपके लिए रेगुलरली बनाए रहा हूँ और लाऊंगा, हो सके तो पॉसिबल एक वीडियो आज लाऊं कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन वगैरह की उसमें, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस कल अपलोड हो जाएंगी चॉइस फिलिंग के लिए। तो इस वीडियो को यार फ्रेंड्स में शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब का जो आपका रेड कलर का बटन है उसे प्रेस करके, और बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। तो चलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।